नमस्कार दोस्तों, मैं लाखन सिंह जाट। मैं आज अपनी कला पे गोविंद भाई के साथ चर्चा करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं लाखन सिंह जाट, जो कि राजस्थान जयपुर से हैं। लाखन भाई अपने कला कर्म के विषय में, अपने जीवन के विषय में आज हमसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लाखन भाई। गोविंद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव कुसाई में 1986 में पैदा हुआ और मेरी शुरुआती पढ़ाई प्राइमरी गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गया। 2003 में मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। 2009 में मैंने यहाँ से मास्टर्स किया और मैं मेरा इस तरफ रुझान बचपन से ही था, क्योंकि माँ की किचन से मुझे आर्ट सीखने में काफ़ी मदद मिली। क्योंकि माँ जब रोटियाँ बनाती थी तो हम वो आटा लेके और कुछ आकृतियाँ उसमें बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े होने लगे तो मिट्टी के साथ वो आकृतियाँ बनाने लगे, जिनसे कि बचपन में एक खेलने का होता था। क्योंकि आजकल मार्केट में जो टॉयज़ अवेलेबल हैं तो वो उस टाइम पे हमको नहीं मिलते थे, तो मिट्टी के खिलौने बना के हम लोग ज़्यादातर खेलते थे। तो इस फील्ड में शुरुआत से ही, बचपन से ही मेरा रहा। उसके बाद में जब मैं 11th और 12th में पढ़ाई कर रहा था, तब हमें एक आर्टिस्ट पढ़ाने आते थे, ड्राइंग सिखाने आते थे। तो उन्होंने मेरा ड्राइंग और मेरा स्किल देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पे आप जाके और दाखिला ले सकते हो, आगे की पढ़ाई कर सकते हो, इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो मैंने 2003 में स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। उसके बाद से मेरी कला यात्रा शुरू हो गई। चित्रों में एक सरलता दिखती है, एक काम के पीछे का जो एक आइडिया है वो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ा है। तो किस प्रकार से आप इसको आपके जीवन से जोड़ते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी भाई, मेरे कामों में ज़्यादातर मेरी बचपन की यादें हैं, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। तो वो जो मेरा जीवन था बचपन का, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा था। और जब मैं पेंट कर रहा था, स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, तब से ही कहीं ना कहीं मैं गांव की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो मैंने अपने चित्रों में जो अपनी बचपन की यादें थीं उनको पेंट करना स्टार्ट किया। तो जब मैं देखता था यहाँ के बचपन को और मेरे बचपन को, शहर के बचपन को और गांव के बचपन को, तो काफ़ी सारा अंतर दिखता था। तो मैंने अपने बचपन की यादों को पेंटिंग में लाना स्टार्ट किया। कुछ फॉर्म कुछ नए क्रिएट किए, फ्लैशबैक में जाके हम किस तरीके से खेलते थे, किस तरीके से मेरा बचपन बीता गांव में। क्योंकि गांव का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, एक आत्मीय गहराई होती है बचपन में। और उन सारी चीज़ों को लेके मैं ज़्यादातर अपने कामों में बचपन को लेके आया। और कई तरह के जो खेल होते हैं बचपन के, जैसे कि साइकिल चलाना, साइकिल के टायर से खेलना, मिट्टी के खिलौने बनाना, और भी बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जो बचपन एक हमारा गांव में बीतता है, उसमें जो चीज़ मुझे एक अपनी ओर खींच रही थी वो यही थी कि मैं अपने चित्रों में वो सब लेके आऊं, जिससे कि मैं अपना जीवन वापस जी सकूं। तो मेरे कामों में ज़्यादातर मेरी यादें हैं। ग्रामीण परिवेश को आपके कामों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने दिखाने के प्रयत्न किया है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। और लॉकडाउन में आपने क्या किया, उस विषय में भी कुछ बताएं। जी भाई, मैं लॉकडाउन मेरे लिए एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब दुनिया भर के लाखों लोग लॉकडाउन में चले गए, हमारी दुनिया बहुत छोटी हो गई। हमें घेरते देख सीमित संसाधनों
सीमित संसाधन रह गए हमारे पास। तो मेरे साथ लॉकडाउन का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं गांव काफ़ी लंबे समय के बाद एक लॉकडाउन ने मुझे दिया कि आप गांव जा सकते हो। तो मैं उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे गांव में था, और जिन चीज़ों को मैं इमेजिनेशन से, जिन यादों को मैं इमेजिनेशन से पेंट कर रहा था, वो उन यादों के पास मैं करीब से गया, और मैंने देखा कि मेरे चित्रों में, मेरे गांव में जो तालाबंदी की जो विडंबना है, वो दुनिया के वर्तमान परिदृश्य को किस तरह दोहरा रही है। देश पूरा का पूरा वर्ल्ड इस महामारी से ग्रसित था, और मैं गांव में अपने चित्रों में, अपनी पेंटिंग की दुनिया में व्यस्त था, और मैं उन सारी यादों के इतने करीब जा गया। ये सारा मौका मुझे लॉकडाउन की वजह से मिला। तो मेरे काम में, मेरे फॉर्म में काफ़ी सारा परिवर्तन आया। मैंने खूब ड्राइंग किया, खूब कलर में काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो लॉकडाउन ने मेरे लिए, जो लॉकडाउन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को इतना करीब से देखा, करीब से जाना, और उनको मेरे काम में लेके आया। मैं कई सारे टेक्सचर्स मुझे नए मिले, क्योंकि मैं एक जयपुर एक कमरे में बैठ के और पेंट कर रहा था, और कहाँ मैं लॉकडाउन की वजह से गांव में पूरा खुले आसमान के नीचे काम कर रहा था। तो जो यादें मैं अपने स्टूडियो में बैठ के कर रहा था, उन यादों के पास जाके मैंने काम किया, और मेरे काम में काफ़ी सारे चेंजेज आए। फॉर्म्स चेंज हुए हैं, कलर्स चेंज हुए हैं, क्योंकि पहले मैं जो कलर्स देख रहा था वो प्राइमरी कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, बट अभी जब मैं गया लॉकडाउन में, तो मेरे मुझे कलर्स, बहुत सारे कलर्स दिखे, क्योंकि अब मैं वहाँ तक देख पा रहा था, उन सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा था, क्योंकि मेंटली और सारी चीज़ों से मैं फ्री था। तो मैं अपने काम में इतना लीन हो चुका था कि मैं हर एक चीज़ को डीपली देख रहा था, डीपली स्टडी कर रहा था, टेक्सचर्स की स्टडी कर रहा था, फॉर्म की स्टडी कर रहा था, कलर्स की स्टडी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों ने मेरे काम में काफ़ी सारा परिवर्तन लाया है। तो लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जी भाई, जब मैं अपना पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरे जहन में अपनी बचपन की यादें रहती हैं, और उन यादों को मैं अपनी पेंटिंग पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मेरे सामने ब्लैंक कैनवास होता है, तो कैनवास मुझे कहीं ना कहीं अपने बचपन की ओर लेके जाता है, और मैं अपनी यादों को खंगोलता हूँ कि मैं किस तरीके से मैंने अपना बचपन जिया था। क्योंकि बचपन की जो यादें होती हैं, हमारे मन, हृदय और आत्मा की गहराई से अंकित हैं, जो एक इंसान को बदल देती हैं और हमेशा खुद के साथ ही रहती हैं। मेरी पेंटिंग और कुछ इंस्टॉलेशन जो मैंने किए हैं, वो बचपन पर ही आधारित हैं। जहाँ अपने काम में मैं बचपन को लेके आता हूँ, वहीं मेरे काम में बचपन से ही टेक्सचर्स निकल के आते हैं, और वहीं से मेरे कलर्स निकल के आते हैं। क्योंकि जो नेचुरल जो दुनिया है गांव में, जो मेरे आसपास का जो नेचर है, वो बहुत ही एक खूबसूरत है, जो कि मेरी कलाकृतियों में, मेरे गांव में जो मौजूदा जो चीज़ें रही थी बचपन में, वो सारी वहाँ पे मैं लेके आऊँ कैनवास पे, और जो चीज़ें मैं नहीं देख पाता हूँ आज, वो मैं फ्लैशबैक में जाके कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को मैं ढूँढूँ, अपने अंदर ढूँढूँ, और उनको अपने चित्रों में लेके आऊँ। तो मेरे शुरुआती काम फिगरेटिव रहे हैं, और ज़्यादातर मैंने फिगरेटिव काम ही किया है, और बचपन की यादों को लेके ही मैंने ज़्यादातर काम किए हैं। गांव का जो ग्रामीण जो जीवन है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो जो एक बोलते हैं एक आत्मीयता है उसमें, तो वो मेरे काम में ज़्यादातर मैं लेके आया।
जी, नए स्टूडेंट्स और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जैसे कॉलेज से अभी अभी पढ़ के निकले हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो उन लोगों को फ्यूचर में बहुत काम आ सके? जी भाई, यंग आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहूँगा कि पेपर और पेंसिल को अपना लाइफ का एक पार्ट बनाएं, क्योंकि पेपर और पेंसिल ही है जो हमको आगे लेके जा सकती है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, आजकल जो स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स हैं, तो वो बहुत फास्ट अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो एक तरीका नहीं है आगे जाने का। आगे आपको जाना है तो आप पेपर और पेंसिल को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं, खूब ड्राइंग करें और खूब काम करें। उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लाखन भाई आज इस बातचीत के लिए। और इससे हमारे नए स्टूडेंट्स, अपकमिंग आर्टिस्ट, इन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक काम के पीछे का एक आइडिया जो महत्वपूर्ण है, वो लोगों को समझना, सोचना बिल्कुल चाहिए। आपके आसपास भी ऐसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पेंट कर सकते हैं और वो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, पहलू हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, वो अपने आप आपके काम में दिखाई देने लगता है। तो इसी के साथ मैं गोविंद विश्वास आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। और एक ख़ास बात, जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे टॉक्स, ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।